हेलो स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट, और उसका जो आज टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट्स एंड आयंस। इससे पहले हमने इंटरमीडिएट्स लिए थे, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, आज हम ले रहे हैं उनके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड द्वारा घिरा रहता है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आवेश फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ये जो इनके ऊपर चार्ज आते हैं उसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। जैसा हमें पता है, अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के फॉर्मल चार्ज का योग शून्य होता है। एक आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेश का परिणाम उस आयन पर उपस्थित वास्तविक आवेश के बराबर होता है। फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप नंबर वर्ग संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हाफ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस फॉर्मूले से हम फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज जीरो है, किंतु नाइट्रोजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज प्लस वन है। अमोनियम आयन पर प्लस वन चार्ज आता है। कैसे आता है, हम अगर इसके इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखें तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और उसके बाद में वर्ग संख्या 5 माइनस 0 प्लस हाफ इनटू जो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो 8, तो 5 माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1। इस तरीके से ये अमोनियम आयन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं और वो है CH4 में कार्बन का फॉर्मल चार्ज। तो CH4 में कार्बन का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 4 माइनस 0 प्लस हाफ इंटू 8, ये भी आया 0, तो इसमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 होगा। एक एग्जांपल हम और लें और वो है CH3 में प्लस में कार्बन का फॉर्मल चार्ज, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और उसके हिसाब से अगर हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं तो इसके ऊपर प्लस वन आता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने अमोनियम आयन लिया था, अब हम लेते हैं अमोनिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए ये इसका फॉर्मूला होगा, और उसमें फिर वैल्यू रखने पर 5 माइनस 2 प्लस हाफ इंटू 6, ये 0, तो अमोनिया पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है। इस तरीके से हम किसी भी आयन या मॉलिक्यूल के फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के। अब इसकी आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए कुछ मॉलिक्यूल हैं उसके आप निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे ये दिए हुए हैं आई का, CH3 में कार्बन का, H2 में H का, CN में CN माइनस में कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था हमारे फॉर्मल चार्ज निकालने का मेथड। थैंक यू।